हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 5 में। और आज हम देखने वाले हैं ओटो वॉन गैरिक के बारे में। देखिए इनकी स्पेलिंग कितनी डिफरेंट है, राइट, क्योंकि ये जर्मन से है, राइट। तो मिलते हैं सबसे पहले हम माइकल से। माइकल जो है अभी लंच के बाद भी बुक पढ़ता ही रहता है, और ये जर्मन साइंटिस्ट ओटो वॉन गैरिक के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अभी लाइब्रेरी की कहानी कंटिन्यू है, मतलब जो बुक बाइंडर शॉप है वहाँ की। तो ये जो ओटो वॉन गैरिक होते हैं, ये जर्मन साइंटिस्ट थे, और पहले से ही ये हवा के दबाव के बारे में कुछ ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ के लिए थोड़े से ये फेमस थे। साथ साथ में इनको इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना भी अच्छा लगता था, क्यों, क्योंकि उस टाइम पर थोड़ा सा वो टॉक ऑफ टाउन हो चुका था, मतलब टॉक ऑफ सिटी या टॉक ऑफ आसपास की चीजों के बारे में कह सकते हैं, राइट। और इन्होंने जो थोड़े से नियम दिए हैं वो वैक्यूम, एटमोस्फेरिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इनके ऊपर ये पहले से ही कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। तो जब उनको पता चलता है इस चीज के बारे में, तो वो जो है पूरा एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो क्या करते हैं कि एम्बर स्टोन को जो है थोड़ा सा गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद में जो है वो देखते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही गर्म करके वो उसको घिसते हैं, तो वो एक स्ट्रेंज बिहेवियर देखते हैं। वो स्ट्रेंज बिहेवियर क्या होता है कि जो चीजें होती है, जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो बहुत फास्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। तो इस बात से उनको बहुत ही अच्छा भी लगता है, मजा आता है कह सकते हैं कि अरे वाह यार, ये तो फास्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा उसमें क्या एडप्ट किया, चलिए स्टोन को थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। देखिए दो तीन साइंटिस्ट पहले भी हुए, पर उन्होंने वो सब चीजें नहीं सोची। साइंस कुछ ऐसे ही होता है कि क्या हम कर सकते हैं, क्या मिस हो रहा है, राइट। और इसी पॉइंट को हमको पूरी स्टोरी में देखना है, और यही पॉइंट हमारे लिए बेस बनेगा आगे जाकर, जब हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करेंगे, कंपोनेंट्स के ऊपर प्रैक्टिकली कुछ चीजें करके देखेंगे। तब वहां सब चीजें हमको जोड़ना नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीजों को देखना है कि क्या और कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको आप रिलेट कर पाएंगे। अब इनको लगा कि यार कैसे हम ये पावर को और बढ़ा सकते हैं। उन्होंने गर्म किया तो चीजें थोड़ी फास्ट अट्रैक्ट होने लग गई थी, राइट। वो कण फास्ट अट्रैक्ट हो रहे थे, पर उनको ये लगा कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि ओवर फास्ट हो जाए, राइट। जो हमें रिजल्ट मिलता है ना, हम उसी के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए उन्हें ये तो पता नहीं चला कि फास्ट इसको कैसे कर सकते हैं, लेकिन उनको ये बात क्लियर थी कि अगर चीजों को अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए उसे जो है वो रब करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके लिए वो जो है वो एक योजना बनाते हैं, और जो सल्फर होता है जिसे हिंदी में गंधक बोलते हैं, उसका एक गोला बनाते हैं, और उसे एक जो है वो लकड़ी में लगा देते हैं, ताकि वो सोचते हैं कि उसको उसमें रखकर अगर घुमाएंगे तो हो सकता है कि उसको और फास्ट घुमाया जा सके। तो फास्ट घुमाएंगे तो हो सकता है कि फास्ट अट्रैक्ट भी हो जाए, राइट। तो जो क्वेश्चन बेसिक उनके माइंड में था कि अच्छा फास्ट हुआ है तो फास्ट कैसे हुआ है, ये उनका जो है आगे की सोच थी कि क्या कर सकते हैं। तो इसलिए वो गोला बना देते हैं उसको और फास्ट करने के लिए, राइट। और वो एक क्या बोलते हैं, हैंडल बनाते हैं, ऐसा मैकेनिज्म बनाते हैं जिससे उसको फास्ट और जो है वो रोटेट कर सके। तो देख लीजिए आप ना, कहाँ से शुरू चीजें हुई थी और कहाँ पर हम आ चुके हैं, राइट। और ऐसा करने पर क्या होता है कि उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होने लग जाती है, जैसे ही वो उसको टच करते हैं तो थोड़ा सा उसमें चमक या स्पार्क जैसी आने लगती है, राइट। तो जो गोला वो घिस देते हैं, उसके पास में अगर वो किसी मान लीजिए पंख को लेकर आते हैं, तो पंख जो है वो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होना चालू हो जाता है, राइट। ये पंख है और ये वो ही गोला है जो उन्होंने उस मशीन पर उसको रगड़ कर घिसा है। तो जैसे उसके पास में लेके आते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन दूसरी बार क्या होता है, दूसरी बार में जो सपोजिट होता है कि जो एक बार पंख चिपक गया था पहली बार में, उसको फिर से अगर लेके आएंगे तो वो क्या करेगा, रिपल कर देगा, राइट। तो उन्हों को थोड़ा सा अजीब लगा कि यार ये चीज कैसे हो रही है। तो उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट धागे से करना चालू किया। और ये धागे वाली बात शायद आपको याद होगी कि आपकी 12th या जो भी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक में जरूर होगी। तो वो फिर से उसको घिसते हैं और एक धागे को अपने
धागे को गोले के पास में लेके जाते हैं, तो धागा जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है पहली बार में, राइट। दूसरी बार में क्या होता है, दूसरी बार में उसी धागे को फिर लेके जाते हैं तो वो रिपल कर देता है। तो यहाँ पर उनको पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक पदार्थ होते हैं, राइट, जो विलियम गिलबर्ट ने कहा था कि इलेक्ट्रिक पदार्थ में तो सिर्फ अट्रैक्शन का ही गुण होता है, उनमें रिपल्शन का गुण नहीं होता है, जबकि उन्होंने ये बताया था कि चुंबक के अंदर, मैग्नेट के अंदर दोनों चीजें होती है, राइट, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, लेकिन इलेक्ट्रिक पदार्थ में नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पर ओटो वॉन गैरिक जो है बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं, इलेक्ट्रिक में भी अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों जो है प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, क्योंकि वो ये चीज करके यहाँ पर देख रहे होते हैं। और जब वो उसको बहुत ज्यादा घुमाते हैं, राइट, और अपना हाथ उसके पास में लेके जाते हैं, तो क्या होता है, उससे जो है वो स्पार्क, चिंगारी निकलने लग जाती है, और उनका ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो गोला रहता है वो बहुत फेमस हो जाता है। क्योंकि आप सोच के देखिए, 17th सेंचुरी के आसपास की बात है, लाइट जो है सिर्फ और सिर्फ आपको मिट्टी के तेल से, सनलाइट या फिर वैक्स है या वुड है, इनसे मिलती है, बट ये एक थोड़ा सा स्पार्क दे रहे हैं, तो ये बहुत फेमस हो जाते हैं कि चलो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जो है वो हो ही रहा है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट बात होती है उनके लिए, और ये वो बहुत फेमस हो जाते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी कि अब इसके बाद में क्या हुआ, और आप देखते जाएंगे कि कैसे कैसे छोटे छोटे जो पॉइंट्स आपके लिए आने वाले हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।